ट्राई कर दे के सोहेल साहब की ये बुरी बात है, नॉट इवन सिंगल पर्सन, किसी एक बंदे से नहीं तुम मिलोगी कभी कहे कि यार सोहेल साहब ने मेरे साथ ज्यादा बंदा तारीफ करता, और माशाल्लाह वो तारीफ के काबिल भी वाकई बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। ये बात तो है। अच्छा मुझे बताओ बचपन के हवाले से, बचपन कैसा गुजरा, कैसी तबीयत? बड़ा मजे से, बहुत मजे में। पैम्पर्ड पैम्पर्ड भी कह सकते हैं, आई वाज अ लिटिल, ऑब्वियसली अ लिटिल नहीं, अ लॉट। मेरी अम्मा मुझे इस वक्त घूर के देख रही होंगी और मेरी फूफो भी, क्योंकि मैं आई वाज द ओनली डॉटर मेरी फैमिली में, जैसे जो बड़ी मतलब भाइयों में अब्बा की तरफ जो थी, तो क्योंकि मेरे ताया जो थे ही वाज लिविंग इन अब्रॉड, तो वो उनके बच्चे वहीं पे पैदा हुए, उनको मौका नहीं मिला फूफोज के बीच में भागने दौड़ने का, तो मुझे बहुत पैम्पर किया इस लिहाज से। और जब बड़ी होती रही तो साथ साथ थोड़ा सा इमेज ये था मेरा कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, बंदा टाइप, यू नो, टॉम बॉय टाइप, तो वो वाली फीलिंग रहती थी। आई वाज लाइक केयर फ्री किस्म का इंसान नहीं होता, वो थी। और कॉलेज और स्कूल की लाइफ कैसी गुजरी? परफेक्ट लाइफ, उफ, लवली लवली इन अ सेंस के जो अभी भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, दे आर स्टिल कनेक्टेड समहाउ दी अदर, शादियां हो गई हैं सारी लड़कियों की, लेकिन फिर भी एक बेस्ट फ्रेंड है मेरी, अगर वो मुझे देख रही होगी तो उसको गुड मॉर्निंग, और उसकी बड़ी प्यारी सी छोटी सी बेटी है, वो बहुत क्यूट है, नाजिया खाला, नाजिया खाला, जब भी मैं टीवी पे आती हूँ नाजिया खाला शुरू कर देती है। तो बहुत बहुत अच्छी लाइफ थी, मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया ये दोनों टेनर्स ना, मतलब अब नाउ आई मिस स्कूल टाइम्स, स्कूल में बहुत मिस, स्कूल में ज्यादा किया। कोई यादगार वाकया स्कूल या कॉलेज का? हाँ, एक दफा एक हरकत ऐसी हुई थी क्लासरूम में बैठे हुए जिसको मैं जिंदगी, हम किस्सा सुने पहले कॉल ले लें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? आप गेस करो। मैं गेस करूँ कौन है यार, कुछ बोलो तो फिर मैं गेस। नाजिया क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं अच्छी, हमेशा की तरह। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह से सब कुछ ठीक ठाक है। क्या कहेंगी नाजिया, आज आ रही है? क्या चीज? शो खत्म हो रहा है? शो खत्म हो रहा है, हाँ शो जो है ना वो दो चार दिन बाद कराची मूव होने जा रहा है। अभी ये खबर जो है मेरे ख्याल से शायद कल हमारा आखिरी शो हो यहाँ से लाहौर से। अभी मैंने ये खबर ब्रेक नहीं की थी, मैंने कभी मैं ब्रेक कर दूंगी तो फिर वो डेफिनेटली फेसबुक पे भी शोर मच जाएगा कि क्या हो रहा है वो। हाँ शो जो है खत्म होने वाला है, बिल्कुल लाहौर से खत्म होने वाला है। क्या चीज? मेरे घर भी नहीं आगी मेरे, बिल्कुल मैं घर आऊंगी नाजिया। अच्छा नाजिया बेग हमारे साथ बैठी हुई है, इनके हवाले से कोई बात करना चाहोगी आप? हाँ मैंने अभी देखा, क्यूट है बहुत, अच्छी लगती है सबको। अच्छा बहुत शुक्रिया नाजिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, ये हमारे साथ होती थी, हमारी इंटर्नी है बच्ची। अच्छा अच्छा सही, तो बहुत शुक्रिया नाजिया, उसने फौरन उसको ब्रेकिंग न्यूज मिल गई ना कि शो खत्म होने वाले, परेशान हो गए। अच्छा अब बचपन के किस्सा सुना दो यार। हाँ किस्सा ये था कि हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए थे, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तो किसी एक फ्रेंड ने एक जोक लिखकर पेपर पे फॉरवर्ड किया ना, तो हमारी इंग्लिश की टीचर थी मिसेस समीना ना, मिसेस समीना अहमद, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी ना, मतलब उनकी क्लास में कोई सर उठा के ऐसे उनको गलत अच्छा। देख भी लेगा ना कि मतलब अभी ये टाइम नहीं था तुम्हारा देखने का, मुझे क्यों देखा, तो वो पूछ लेती थी, वो इतनी स्ट्रिक्ट थी। तो उस फ्रेंड ने मेरी ने वो चिट पास की, जोक लिखा हुआ था, तो मुझे जोक नहीं समझ आया, तो वो कहीं पास होते होते ना मेरे हाथ में वो टीचर ने देख लिया। मिसेस समीना ने मुझे कहा कि नाजिया व्हाट आर यू डूइंग, एंड आई वाज लाइक मेरे तो मतलब हाथ पैरों से जान निकल गई, मैंने कहा अब तो गई मैं नाजिया। और मैं इसलिए उसको नहीं भूलूंगी कि वो काम मैंने नहीं किया था, लेकिन उसकी सजा मुझे मिली, मुझे क्लासरूम से बाहर खड़ा रहना पड़ा था दो दिन, उनकी क्लास में नहीं आती थी मैं, वो मुझे कहती थी बाहर। बड़े ऐसे टीचर्स होते हैं, लाजमी एक आधा टीचर ऐसा होता जरूर है ना। एक नहीं, मेरे लाइफ में तो दो टीचर्स ऐसी आई हैं खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। एक मिसेस मोहसिन थी, वो तो खैर नंबर वन थी ना, जिनसे जान निकल जाती थी, क्या लड़की और क्या लड़के सारों की जान निकलती थी, लेकिन उनका फायदा मुझे बाद में, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे नजर आता है, अगर वो इतनी स्ट्रिक्ट ना होती तो शायद हम इतना कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते नहीं, जो थोड़ा बहुत हमारे जहन में आ जाता था वो उनकी इस एटीट्यूड बाद में आपको एहसास होता है कि उस वक्त जो डांट पड़ती थी तो सही पड़ती थी, आपको बड़ा बुरा लग रहा होता है। मैं आज ही बात कर रही थी, थॉट ऑफ द डे भी था कि जी गुस्सा आता है आपको उस वक्त, बहन से बात हो रही है, उसने डांट वांट दिया, मैंने फोन बंद कर दिया, मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ, और फिर मैंने सोचा कि माँ बाप और आपके जो उस्ताद होते हैं वो कभी गलत बात पे आपको नहीं कहते, उसमें आपका फायदा होता है, बात आपको सुननी चाहिए, थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है फिर आपको फायदा नजर आना शुरू होता है, और देन यू रियलाइज कि यार हाँ वो सही कह रहे थे, सही, लेकिन वो सही कहते हैं सही। ठीक जी, हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
वालेकुम सलाम, सनी जी रही से बात कर रहा हूँ। कैसी है, क्या हाल है सनी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ये अभी बैड न्यूज सुनी है कि आप प्रोग्राम खत्म कर रही हैं। यकीन करें इतना दुख लग रहा है कि आपके प्रोग्राम जैसा मैंने जिंदगी में प्रोग्राम नहीं देखा। तो ये है कि आप, मैंने किसी चैनल पे भी कॉल नहीं करनी, आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखता था, बड़े शौक से कॉल करता था। कितने भी गेस्ट आपने बुलाया, इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम को नंबर वन अवार्ड मिलेगा। इंशाल्लाह आपकी बातों से काफी लोगों पे असर हुआ है, मेरे पे भी बहुत असर हुआ है। आप नाजी आगा साहब बैठी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी टीवी आर्टिस्ट है। और ये भी बस अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया सनी। मैं आगे जो भी प्रोग्राम करे मेरी यही दुआ है, अल्लाह करे आप भी किसी और शो में। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं डेफिनेटली टीवी पे आपको दिखती रहूंगी। बस कुछ अरसे के लिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सनी। कुछ अरसे के लिए जो है वो शो कराची जा रहा है और लेट्स सी वहां से होगा, बिकॉज डेफिनेटली वहां पे जो मेहमान होते हैं उनको भी डेफिनेटली मधु करना होता है, यहाँ पे सारे नहीं आ सकते। और बहुत सारी पॉलिसी होती है चैनल की कि कुछ अरसे के बाद जो है शो कराची से लाहौर मूव, जैसे हुआ था लाहौर मूव हुआ था, अब कराची वापस जा रहा है कुछ अरसे के लिए। डेफिनेटली मैं टीवी पे आपको नजर आती रहूंगी और बहुत मैं मिस करूंगी। कैसा रिश्ता बन जाता है, मैं कहती हूँ मुझे, मैं ऑनेस्टली एक दिन कभी ऐसा होता है कि बाज़ों का तबीयत ठीक नहीं होती, होता है कि प्रोग्राम शायद मैं ना करवा सकूँ, लेकिन तबीयत ऐसी बेचैन हो जाती है। आपका कैसे यू नो ऑडियंस के साथ रिश्ता बन जाता है? बहुत ज्यादा, और वो डिपेंड करना शुरू कर देते हैं ना कि आपने नजर आते रहना है ताकि वो फील कर सकें कि यार फ्रेशनेस कोई एक डिफरेंट चीज हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं मतलब चार दिन वो रिकॉर्डिंग करती हूँ अपने प्रोग्राम की, और वो जो तीन दिन मैं घर बैठती हूँ ना, तो मेरा जो तीसरा दिन होता है ना वो इस बेचैनी में गुजरता है, क्या वो जल्दी से रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू हो जाए ताकि मैं बिजी हो जाऊँ और मैं फिर मुझे मैं कनेक्ट हो जाऊँ अपने व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल, और वही ऑनेस्टली जो आपके रेगुलर कॉलर्स होते हैं वो एक दिन किसी की, जैसे सनी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, गुलाम हुसैन भाई, अयूब साहब है, जमील भट्ट साहब, कॉल नहीं आती तो मैं कहती हूँ कॉल क्यों नहीं की इन लोगों ने, क्या तबीयत ठीक है क्या, मतलब आपका वाकई एक रिश्ता, एक फिक्र आपको होती है। बिल्कुल, मतलब इंसानियत के नाते, इंसानियत का यही एक रिश्ता है ना जिससे हम सारे कनेक्ट। बिल्कुल। अच्छा शोबिज के हवाले से बात करते हैं, वो जरा मैं सेंटिमेंटल हो गई, मैं नहीं बताना चाह रही थी और मैंने ये सोचा था कि जब लास्ट शो होगा उस वक्त मैं बताऊंगी, बिकॉज डेफिनेटली मुझे भी दुख है इस बात का, लेकिन ये कि कुछ पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसी मैटर होता है, तो उस वजह से जो है आप उस बारे में कुछ कर नहीं सकते। अच्छा नाजी, अब शोबिज के हवाले से मुझे बताओ, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि डिफिकल्टीज भी बड़ी होती हैं, मुश्किल पेश आती हैं काम के हवाले से भी, कि आपको अपनी पसंद का काम नहीं मिल रहा, लोग लैग पुलिंग कर रहे हैं, जेलसी भी बड़ी होती है, इस किस्म की कोई हुई प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में होती हैं सोनिया। मैं जॉब भी करती रही हूँ प्राइवेट, ठीक है, और उसमें भी इसी तरह होता था कि किसी ने आगे जाना है तो आगे जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींच ले किसी तरीके से। तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा, क्योंकि हम लोग मुसलमान लोग हैं सारे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा जितना तवक्कल अल्लाह ताला पर होगा उतने हमारे रास्ते आसान होते जाएंगे, ठीक है। तो आप यू जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह, तो उसके बाद आपके रास्ते में जो मुश्किल, क्योंकि मेरे लिए मेरा जितना भी करियर है उसे उठाकर देख लो, मैंने कभी भी ये रेस नहीं लगाई कि मुझे लीड कैरेक्टर ही चाहिए या लीड रोल ही चाहिए, मैं हीरोइन ही आना चाहती हूँ, क्योंकि हीरोइन कितना अरसा रह लेगी, 5 साल 6 साल, तो एक कैरेक्टर एक्टर की लाइफ ज्यादा लंबी होती है, ये जो मैंने अपने सीनियर से भी सीखा है और सुना है। तो वो जितने कैरेक्टर्स मैंने किए हैं उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एटलीस्ट जो कैरेक्टर किया है उसके साथ थोड़ा बहुत, जो 5% या 1% भी मैं कर सकती हूँ वो इंसाफ मैंने उसके साथ किया, तो मुझे कभी भी इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं होगी। जो काम किया अच्छे से किया, अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई। और ये चीज होनी चाहिए, यूजली ये होता है कि लोगों को दूसरों की ज्यादा परवाह होती है, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, दूसरों पे कि वो क्यों आगे जा रही है, वो क्यों करिए, बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि एक तो ये ओपन फील्ड है ना हमारी, हर किसी की नजर इस फील्ड के ऊपर है, तो वो फिर हर कोई परफेक्शन लाने के चक्कर में, परफेक्ट बनने के चक्कर में तो दूसरे को नीचे करने की कोशिश करता है, जिसमें हालांकि वो खुद नीचे जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है। मजीद बात करते हैं, यहाँ पे कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? एस बख्श कराची जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सो स्वीट। वैसे कहा जाता है कि एक गेस्ट आता है और प्रोग्राम में 4 जान लगा के जाता है, लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि नाजी आकर 8 जान लगा लिया आपके प्रोग्राम में। थैंक यू स्वीट, बाकी ये ऐसे ही है। इनका जो प्रोग्राम चलता है दूसरे चैनल पे वो तो मैं बहुत शौक से देखता हूँ, मिस तो नहीं होता, तो मिस हो जाता है तो रात को 4 बजे तक जब रिटर्न दोबारा रिपीट होता है तब तक नहीं सोता मैं। हाउ स्वीट, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू। और आपको कराची आने तक जो मैंने अभी बात सुनी कि आपका प्रोग्राम कराची आ रहा है, सो मोस्ट वेलकम। मैं होस्ट नहीं कर रही हूँगी, लेकिन बैड न्यूज है, मैं उनसे भी मुआजरत करूंगा और आपको वेलकम कहूंगा। सही, बहुत शुक्रिया, लेकिन
अब कराची डेफिनेटली मैं नहीं मूव हो सकती, मेरे लिए थोड़ा सा मसला है, मैं यहाँ से कोई दूसरा शो करूंगी, लेकिन ये है कि होस्ट तो कोई और करोगा, लेकिन प्रोग्राम यहाँ से लाहौर से खत्म हो गया। वैसे मैं सेंचुरी कर चुकी हूँ, माशाल्लाह, मैं फ्राइडे को सेंचुरी कर चुकी थी, मैंने कहा बड़ी बात है। अच्छा हाँ। शुरू में नाजिया लिटरली जब पहली दफा मॉर्निंग शो तो मैंने कभी करवाया नहीं था, मुझे हमेशा सब कहते थे कि यार तुम वो न्यूज का करंट अफेयर का वो आइटम हो ही नहीं, तुम मतलब तुम जो हो लाइवली हो, तुम शो करो इस तरह। ऑनेस्टली सब मुझे ये बात करते थे, और मैंने जब ये शुरू में तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैं एक दफा ऑन गई, मुझे लगा वाकई ये ऐसी चीज है जो मैं ज्यादा आसानी से कर सकती हूँ, और एटलीस्ट मैं जिस तरह की हूँ मैं वैसी हूँ, मुझे बनना नहीं पड़ रहा इसमें, यू नो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा मुझे बताओ कि अब क्या प्लान किया हुआ है ड्रामों के अलावा, मतलब इंडिया से तो नहीं कोई ऑफर शॉफर आई, मूवी शूवी में जाने का कोई है? इंडिया से बिल्कुल भी नहीं कोई ऑफर आई, और अगर आ भी गई तो नहीं आई समझो, अच्छा, मतलब मेरी तरफ नहीं आई कोई सीन नहीं, यानी मूवी शूवीज में जाने का, मूवीज तो बिल्कुल भी नहीं सवाल पैदा होता, और इंडिया बिल्कुल नहीं, अगर मुझे कुछ करना होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में रह के करूँ। क्या बात है, मोहब्बे वतन। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और इस पर मजीद हम बात करेंगे, आप देखते रहिए मॉर्निंग मसाला।